हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआर, माय सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को हमने कंटिन्यू किया था, उसी में हमने जियो मॉर्फोलॉजी के बाद में क्लाइमेटोलॉजी के टेस्ट सीरीज कंटिन्यू किए थे। उसी में आज हमारा टॉपिक है सूर्यताप और ऊष्मा बजट। अर्थात कल हमने वायुमंडल की संरचना और संगठन से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। आज टॉपिक है हमारा सोलर इंसोलेशन या फिर इंसोलेशन और हीट बजट, उससे संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों, रिसर्चर बेच है पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए था, जिसको पीएचडी करनी है जेआरएफ लेकर, तो उसके क्लासेस अवेलेबल हैं। जिस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की दोनों लाइव एंड क्लासेस रिकॉर्डेड, मतलब लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ आपको फर्स्ट पेपर के नोट्स भी पीडीएफ के रूप में दिए जाएंगे और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4500 रुपये। साथ में दोस्तों, विद्यास्थली बेच RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए इस कोर्स में भी आपको दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे, और इसमें दोस्तों होम डिलीवरी भी आपको सभी कोर्सेज पे अवेलेबल है। और इसी में आपको टेस्ट सीरीज के, मतलब टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और उसी में आपको टॉपिक वाइज और उसमें फुल टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें दोस्तों आचार्य बेच है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो भी MP, UP और हरियाणा में जो वैकेंसीज आई है उनकी क्लासेस भी आपको अवेलेबल है पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर। इस कोर्स में भी आपको दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको PDF में और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ में दोस्तों आचार्य बेच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजस्थान में जो वैकेंसीज आई है उसकी क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें भी दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स PDF में और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी में आपको सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और साथ ही में प्रीवियस क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है दोस्तों मात्र 7100 रुपये। सभी कोर्सेस में दोस्तों आपको होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के साथ दोस्तों आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएगी, और साथ में प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे। साथ में इसी में दोस्तों आपको सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है, नेट JRF सेट PGT फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट और स्कूल व्याख्याता कॉलेज लेक्चरर के लिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में यूनिट अनुसार आपके टेस्ट दिए जाएंगे। प्रत्येक 50 प्रश्न होंगे जिनको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा, और साथ में परीक्षा की योजना के अनुसार कुल 10 टेस्ट लिए जाएंगे जिन्हें भी आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा, और साथ ही में सभी टेस्ट की सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको दी जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट JRF, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आपको जो भी डाउट है आप इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो डाउनलोड करके कोर्सेज को आप परचेज कीजिए दोस्तों, और अपनी तैयारी पे आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, सूर्यताप या सूर्यताप और ऊष्मा बजट से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सौरमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तापीय प्रतिलोमन, तापीय विसंगति, तापमान की शिथिलता या मौसमी समय शिथिलता। तापमान तथा ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने की गति या बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सौरमंडल, हमने कल बात की थी दोस्तों सौरमंडल क्या है। सौरमंडल वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे निचली परत या सबसे
पहली पर्वत शोमंडल है। शोमंडल की ऊंचाई दोस्तों लगभग 18 किलोमीटर मानी जाती है। शोमंडल में दोस्तों अनेक प्रकार की मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि सवनीय धाराएं या सवनीय तरंगे अत्यधिक टेम्परेचर के कारण सवनीय तरंगे ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करती है और यहीं पे वर्षा या फिर यहीं पे अन्य मौसमी घटनाएं भी संपादित होती है। तो जैसे जैसे हम शोमंडल में ऊंचाई के साथ साथ ऊपर जाते जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं या सामान्य पतन दर कहते हैं। तो उसके बढ़ने अथवा उसके घटने की दर दोस्तों 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। परंतु इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे हम सौरमंडल में ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो तापमान घटने की बजाय तापमान बढ़ने लगता है, तो उस क्रिया को दोस्तों हम तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तापीय प्रतिलोमनता। अर्थात सौरमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान के बढ़ने की दर तापीय प्रतिलोमनता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? वहन, संचालन, विकिरण या संवहन? किसको वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। अभिवहन कहते हैं, संचालन कहते हैं, विकिरण कहते हैं या संवहन कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। वायु के क्षैतिज संचालन, हॉरिजेंटल संचालन या मूवमेंट के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। वायु के क्षैतिज संचलन, तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। वायु के क्षैतिज संचलन के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को दोस्तों अभिवहन कहते हैं, या इसी को एडवेक्शन भी कहते हैं। एडवेक्शन या अभिवहन, वायु जब क्षैतिज संचरण करती है तो उसके साथ अपने जिस स्थान से वो गुजर रही होती है तो उस स्थान के गुणों को भी अपने साथ लेके चलती है। अर्थात जिस स्थान का तापमान गर्म है तो वह वायु गर्म वायु कहलाएगी, जिस स्थान का तापमान गर्म है अर्थात ठंडा है या शीतल है, या उस स्थान का तापमान कम है तो जब वायु वहां से संचरण करती है तो वहां के तापमान को कम कर देती है। तो इसी दोष अर्थात इसी स्थानांतरण को अभिवहन एडवेक्शन कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकिरण और संवहन और संचालन दोस्तों यह भी वायु के स्थानांतरण की प्रक्रिया ही है। संचालन क्या होता है दोस्तों? संचालन होता है कंडक्शन। अर्थात जब दो असमान पिंड या फिर जो अलग अलग तापमान वाले पिंड एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण अब जब तक अपने तापमान को बराबर नहीं कर लेते उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है, उसी को दोस्तों कंडक्शन या संचालन कहते हैं। विकिरण दोस्तों, विकिरण होता है रेडिएशन, अर्थात फैलाना या फिर रेडिएशन या रेडिएट ही विकिरण होता है। संवहन दोस्तों कन्वेंशन था, कन्वेंशन करंट गर्म धरातल से जब तापमान अधिक होने से, अर्थात जैसे जैसे हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल में तापमान अधिक होता है तो तापमान के अधिक होने के कारण संवहनीय धाराएं ऊपर उठती है, इन्हीं को इसी प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 21 जून को, 3 जनवरी को, 23 सितंबर को या 4 जुलाई को? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? कौन सी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यह हमारी पृथ्वी है जैसे, यह दोस्तों सूर्य है। हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करती है। अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करती है। जैसे जैसे पृथ्वी
पृथ्वी सूर्य के अधिक पास आएगी तो उसमें कौन सी स्थिति या किस स्थिति के समय पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। किस प्रकार दोस्तों? पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोस्तों 14.98 करोड़ चौदह पॉइंट 98 लाख किलोमीटर मानी जाती है। जब ये दूरी तय करते समय पृथ्वी कभी कभी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो कभी कभी सूर्य के अधिक पास होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक अर्थात जब पास में होती है वह स्थिति 3 जनवरी को बनती है और उसी स्थिति को दोस्तों उपसौर या पेरिहेलियन कहा जाता है। इसी स्थिति को उपसौर या पेरिहेलियन कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के अधिक दूर अर्थात जब पृथ्वी सूर्य के पास में होगी तो अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है और जब सूर्य से अधिक दूर होगी अर्थात सूर्य से दूर होगी उस यही स्थिति 4 जुलाई को बनती है और इस स्थिति को दोस्तों अपसौर या अफेलियन कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के पास में होगी तो उस स्थिति को पेरिहेलियन या उपसौर कहा जाता है जो स्थिति 3 जनवरी को बनती है और जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है उस स्थिति को अपसौर या फिर अफेलियन कहा जाता है जो कि 4 जुलाई को बनती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल को गर्म करने वाले सार्थक कारक कौन से हैं? शोर विकिरण की लघु तरंगे, पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगे, भूगर्भीय ताप, प्रचलित हवाएं अर्थात या प्रचलित पवने, कौन सी धरातल को गर्म करने वाले सार्थक कारक है अर्थात धरातल किन कारकों की वजह से सर्वाधिक मात्रा में गर्म होता है? तो आंसर बताइए दोस्तों इसका। पृथ्वी किन कारण या फिर पृथ्वी धरातल किन कारणों या किन कारकों के माध्यम से गर्म होता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हमें पता है दोस्तों हमारी ऊर्जा या फिर ऊष्मा का प्रमुख स्रोत सूर्य है और सूर्य से आने वाली तरंगे को अर्थात सूर्य से आने वाली तरंगों का लघु तरंग अर्थात इनकी वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ इनको माना जाता है। अर्थात जो सतह या फिर जो तत्व जितना अधिक गर्म होगा उसकी लघु या तरंग दैर्ध्य है लघु या फिर उन्हें शॉर्ट वेव्स माना जाता है। अर्थात उनकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ शॉर्ट होती है और जो जितना ठंडा होगा उस तत्व की वेवलेंथ दीर्घ या फिर लॉन्ग वेव्स मानी जाती है। तो धरातल को गर्म करने वाले सार्थक कारणों में दोस्तों सौर विकिरण की लघु तरंगे और साथ में पृथ्वी पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों को माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से अर्थात सूर्य से आने वाली लघु तरंगे और वापस पृथ्वी अर्थात पार्थिव विकिरण के द्वारा जाने वाली दीर्घ तरंगों के द्वारा ही धरातल गर्म होता है। इनमें भी दोस्तों सूर्य से आने वाली लघु तरंग धीरे के बजाय पृथ्वी का धरातल या फिर वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा सर्वाधिक गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के सामान्य ह्रास दर या सामान्य पतन दर क्या है? 4 डिग्री प्रति किलोमीटर, 6 डिग्री प्रति किलोमीटर, 8 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या 10 डिग्री प्रति किलोमीटर, कौन सी नॉर्मल लैप्स रेट की दर मानी जाती है? तो आंसर बताइए दोस्तों। अभी इसको सॉल्व किया था नॉर्मल लैप्स रेट। सौरमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर या सामान्य ताप पतन दर कहते हैं, जिसकी दर प्रति 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 किलोमीटर या फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर या प्रति किलोमीटर पर तापीय ह्रास दर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसौर और अपसौर की स्थिति क्रमानुसार कब होती है? उपसौर पेरिहेलियन एंड अफेलियन की स्थिति क्रमशः है कब होती है, अर्थात किस दिनांक को या किस तारीख को अपसौर और उपसौर की स्थिति माना जाता है? सूर्य से अधिक दूर और सूर्य के अधिक पास पृथ्वी किस दिन से होती है? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। अपसौर और उपसौर की स्थिति किस दिन बनती है? अभी हमने देखा है दोस्तों उपसौर और अपसौर की स्थिति 3 जनवरी और 4 जुलाई को बनती है। 3 जनवरी को दोस्तों उपसौर की स्थिति बनती है और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होगी वह दिन होगा 3 जनवरी का दिन, जिसे हम उपसौर की स्थिति कहते हैं, और जब पृथ्वी से अर्थात पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है उसे उस दिन को 4 जुलाई के रूप में माना जाता है। यह स्थिति अफेलियन की मानी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी और 4 जुलाई को उपसौर क्रमशः उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? सूर्य ताप, ऊर्जा ताप, तापमान या धूल? पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाली सूर्य ऊर्जा क्या कहलाती है? तो बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाली सूर्य ताप कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय ऊष्मा बजट में एल्बिडो का प्रतिशत क्या होता है? भूमंडलीय ऊष्मा बजट में एल्बिडो का प्रतिशत क्या होता है? बताइए दोस्तों, एल्बिडो कितना होता है? 5%, 20%, 70% या 35%? भूमंडलीय ऊष्मा में ऊष्मा बजट का एल्बिडो था ऊष्मा में बजट कितना होता है? हर पृथ्वी का एल्बिडो लगभग कितना माना जाता है? एल्बिडो क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो एल्बिडो की बात की जाए, एल्बिडो कहते किसे हैं? एल्बिडो दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणें और पृथ्वी के द्वारा वापस भेजी जाने वाली पार्थिव विकिरण के मध्य का लेखा जोखा ही एल्बिडो कहलाता है, अर्थात हमने कितनी ऊष्मा सूर्य से ली और कितनी ऊष्मा पृथ्वी के द्वारा वापस लौटा दी गई, इनके मध्य का संतुलन ही एल्बिडो कहलाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का लगभग एल्बिडो 35% माना जाता है, कहीं कहीं पर दोस्तों इसको 30% भी कहा जाता है, परंतु पृथ्वी का एल्बिडो औसत 35% माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक एल्बिडो की बात की जाए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है? सर्वाधिक एल्बिडो किसका माना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक एल्बिडो ताजा बर्फ का माना जाता है, अर्थात जब ताजा बर्फ पर सूर्य की किरणें आती है तो उससे टकराकर पुनः उसी रूप में वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है, अर्थात वापस उसको परावर्तित कर दिया जाता है। इसका सर्वाधिक एल्बिडो ताजा बर्फ का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण का क्वेश्चन है, तापमान की ऋणात्मक पतन दर का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। इसका कारण है दीर्घकालीन शीतकालीन रात्रि में पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा का अधिक क्षय होता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, कथन और कारण सही है या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आंसर बताइए दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। कथन कह रहा है कि तापमान की
ऋणात्मक पतन दर का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। तो सही बात है दोस्तों, ऋणात्मक पतन दर या तापीय विलोमता, इसी को कहते हैं। जिस तरह हम तापमान ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं, तो ऊंचाई में जिस प्रकार वृद्धि होती जाती है, उसी प्रकार तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। तो इसको तापमान की ऋणात्मक पतन दर कहते हैं। इसका कारण है दीर्घकालीन शीतकालीन रात्रों में तथा दीर्घ शीतकालीन रात्रि में पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का अधिक क्षय होता है। तो सही बात है दोस्तों, तापमान की ऋणात्मक पतन दर क्यों होती है? जब दीर्घ शीतकालीन रात्रि में पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा का अधिक क्षय होता है, तो तापमान घटने के बजाय तापमान बढ़ने लगता है। इसी कारण इसको तापीय विलोमता की स्थिति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आर और ए सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित कौन सा कारक नहीं करता है? ऑप्शंस देखिए दोस्तों, ऊंचाई, शोर विकिरणों का कोण, या दिन की अवधि, या फिर महासागरीय धाराएं। इनमें से कौन सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर, सूर्य ताप के वितरण को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सूर्य ताप तथा सूर्य से आने वाली ऊष्मा की मात्रा जब पृथ्वी तक आती है तो उसी को सूर्य ताप कहते हैं। यह ऊंचाई से भी प्रभावित होती है, अर्थात सौर किरणों का कोण, सौर किरणों के कोण से भी यह प्रभावित होती है। दिन की अवधि से भी सूर्य ताप प्रभावित होता है, परंतु महासागरीय धाराओं से इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। यह सूर्य ताप से प्रभावित नहीं होती है, था सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करती है। ऊंचाई दोस्तों, यह पृथ्वी था, इसे हम ग्लोब मान ले तो यह 0 डिग्री अक्षांश है। सूर्य दोस्तों यहाँ पर लंबवत चमक रहा है। सर्वाधिक मात्रा में सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर ही प्राप्त होती है। और जिस तरह हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, अर्थात अक्षांशों की ऊंचाई से सूर्य की किरणें भी तथा सूर्य ताप भी हमें कम प्राप्त होता जाता है। सर्वाधिक मात्रा में सूर्य ताप 0 डिग्री पर और सबसे न्यून मात्रा में या 90 डिग्री या ध्रुवों पर सबसे कम मात्रा में सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। तो ऊंचाई से भी इसका संबंध होता है। सूर्य किरणों का कोण, सूर्य किरणों से भी दोस्तों सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करते हैं, और साथ में दिन की अवधि भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। तथा जहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है, सूर्य ताप की मात्रा वहाँ ज़्यादा प्राप्त होती है, और जहाँ पर दिन की अवधि कम होती है, वहाँ सूर्य ताप की मात्रा भी कम प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय व्युत्क्रमण इंगित करता है। ताप व्युत्क्रमण क्या इंगित करता है? ऊंचाई के साथ ताप ह्रास, ऊंचाई के साथ ताप वृद्धि, ऊंचाई के साथ अचर ताप, या ऊंचाई के साथ अस्थिर ताप। तापीय व्युत्क्रमण कौन सी स्थिति को इंगित करता है? तापीय व्युत्क्रमण या फिर तापीय प्रतिलोमन? किस स्थिति को इंगित करता है? तो अभी हमने देखा दोस्तों, तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने की बजाय जब बढ़ने लगता है, उसी को हम तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई के साथ साथ ताप वृद्धि की स्थिति ही तापीय व्युत्क्रमण को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ओर किस दिन सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है? सर्वाधिक सूर्य ताप किस दिन प्राप्त होता है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 मार्च को, या 22 दिसंबर को? किस दिन सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, अर्थात किस दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, वह स्थिति किस दिन बनती है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर। पृथ्वी की सर और किस दिन सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, अर्थात पृथ्वी की सूर्य से सर्वाधिक निकट दूरी, उसी स्थिति को दोस्तों हम पेरिहेलियन या उपसौर की स्थिति कहते हैं, जो किस दिन बनती है।
अभी हमने देखा दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, तथा उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को सूर्य से सर्वाधिक मात्रा में सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। 4 जुलाई को दोस्तों अफेलियन की स्थिति बनती है, अपसौर की स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। 21 मार्च को दोस्तों सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च प्लस 23 सितंबर को सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को दोस्तों सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और इसी के साथ दोस्तों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का संतुलित बजट या ताप बजट से पृथ्वी के संदर्भ में क्या अर्थ है? अर्थात ऊष्मा का संतुलित बजट क्या बताता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऊष्मा का संतुलित बजट या ताप बजट क्या बताता है? तो इसका क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? तो दोस्तों ऊष्मा बजट क्या होता है? अभी हमने देखा सूर्य से आने वाली किरणों और पृथ्वी से जाने वाली किरणों का तथा ताप का लेखा जोखा ही या उनका संतुलन ही सूर्य ऊष्मा बजट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। निरंतर ऊर्जा प्राप्ति किंतु कम नष्ट होना, नहीं। निरंतर भौमिक ताप विकिरण किंतु कम सौर ऊर्जा प्राप्ति, नहीं। जितना सूर्य भी ताप भूतल को प्राप्त होता है उतना ही भौमिक विकिरण व परावर्तन आदि द्वारा भाई आकाश में लीन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। भूतल के विभिन्न भागों में निरंतर कम ज्यादा सूर्य ताप की प्राप्ति, नहीं दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जितना सूर्य भी ताप भूतल को प्राप्त होता है उतना ही पार्थिव विकिरण के रूप में वापस पुनः लौटा दिया जाता है, उनके मध्य का संतुलन ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतल पर सूर्य भी ताप वितरण का प्रभावित करने वाले प्रधान कारक कौन से हैं? भूतल पर सूर्य भी ताप वितरण को प्रभावित करने वाले प्रधान कारक कौन से हैं? धरातल से ऊंचाई, आयनमंडल से ऊंचे तापमान, थल जल थल का वितरण या अक्षांश या सूर्य की किरणों का तिरछापन। तो इनमें से दोस्तों कौन सा प्रधान कारक है, अर्थात मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है दोस्तों, इनमें से कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। कौन सा पृथ्वी या भूतल पर सूर्य भीताप वितरण को या सूर्य ताप के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सूर्य ताप धरा ऊंचाई को भी दोस्तों प्रभावित करता है, आयनमंडल से ऊंचे तापमान, जल थल का वितरण, परंतु अक्षांश या सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशीय तापमान के औसत के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? किसी स्थान के औसत तापमान यथा किसी स्थान विशेष के औसत तापमान और उसके अक्षांशीय तापमान के स्थान विशेष और उसके अक्षांशीय तापमान के औसत के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तापीय व्युत्क्रमण, तापक्रमीय विसंगति, अक्षांशीय विसंगति या तापीय अनुकूलता। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तापीय व्युत्क्रमण कहा जाएगा, तापीय विसंगति कहा जाएगा, अक्षांशीय विसंगति कहा जाएगा या तापीय अनुकूलता कहा जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन है, किसी स्थान विशेष के औसत तापमान और वहां के अक्षांशीय तापमान के अंतर को दोस्तों तापीय विसंगति या थर्मल एनोमली कहा जाता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थर्मल अथवा तापीय विसंगति क्या होती है? किसी स्थान का औसत तापमान और उस वहां के अक्षांशीय तापमान के औसत के बीच के अंतर को कहा जाता है। यह दोस्तों ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है
और अगर गोलार्ध की बात की जाए दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता अधिक है, जिसके कारण वहाँ पर तापीय विसंगति भी अधिक, अथवा के बीच का अंतर भी अधिक पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, तापीय एनोमली या तापीय विसंगति। तो चलिए दोस्तों, सूर्य ताप और ऊष्मा बजट से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिनका भी कल एनटीए नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ गया है, जिन जिन बच्चों का भी क्वालिफाई हुआ है, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ है वो निराश नहीं हो, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी हमारे पास अभी टाइम है। तो मई जून में आप अपनी प्रिपरेशन को आराम से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और घबराए नहीं, सफलता सबको मिलेगी दोस्तों। आज नहीं तो कल सबके हाथ में सक्सेस तो आनी है। इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। तब तक कभी हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन से। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप चैनल को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। और रिसर्चर बेच, विद्यास्थली बेच, आचार्य बेच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो थैंक यू दोस्तों।